अपने टैलेंट के दम पर रानू मंडल एक भिखारी से इंटरनेट सेंसेशन बन गई। रानू पश्चिम बंगाल के रानाघाट रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी। वहाँ उसका गाना सुनकर कोई भी उन्हें पैसे दे देता था, उसका खर्च उनका निकलता था। रानू के पास रहने को घर भी नहीं है और वो रेलवे स्टेशन पर रात गुजारती है। अब उनके गाने का वीडियो वायरल होते ही हिम्मत शर्मा ने उन्हें अपनी फिल्म हम्पी हाडी में मौका दिया। इस फिल्म के लिए रानू ने गाना भी रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड का वीडियो हिमेश ने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया। अब रानू मंडल को लेकर एक और खबर वायरल हुई है। रानू मंडल के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने इस गाने के लिए कितनी फीस ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमेश ने तेरी मेरी गाने के लिए करीब 6 से 7 लाख ऑफर किए, लेकिन रानू ने इतने सारे पैसे देने से इनकार कर दिया। हिमेश ने रानू को जबरदस्ती पैसे दिए और कहा कि बॉलीवुड में तुम्हें सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये वायरल खबर सच है जो इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। हिमेश या रानू की तरफ से फीस को लेकर कोई बात नहीं की गई है और रानू का कहना है कि उनकी दूसरी जिंदगी में कोई बेहतरीन बनने की कोशिश करेंगी। हाल ही में रानू का एक नया वीडियो भी सामने